देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं प्राची। छत्तीसगढ़ या कहिए डायनों का प्रदेश, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं की यही स्थिति है, जहां लगभग हर दूसरे गांव में किसी ना किसी महिला को डायन बताकर मार दिया जाता है। सच में ये महिलाएं डायन होती हैं या किसी मनोरंजन के अभाव में एक औरत को ही खेल तमाशा बनाकर उसे भरे गांव के सामने झंझोरा जाता है। गांव में किसी की बकरियां अचानक मर गईं, गाय या भैंस बीमार हो गई, बच्चा बीमार है या फिर अचानक मर गया है, किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि गांव में डायन रूपी औरत है। जी हाँ, झारखंड, उड़ीसा, असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों के गाँव का सच यही है। डायन घोषित की गई महिला या महिलाओं के बाल काट लेना, उनके साथ बलात्कार करना, उनको नंगा करके गांव भर में घुमाना, उनके जननांगों को क्षति पहुंचाना, मुंडन कर देना, उनकी हत्या कर देना, आज भी अंधविश्वासी समाज में कैसे जायज बनकर रह गया है, ये सोच कर भी हैरानी होती है। छत्तीसगढ़ में इस डायन प्रथा को टोन ही कहा जाता है। महिलाएं बड़ी संख्या में इसकी शिकार होती हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग काफी हद तक अंधविश्वास की चपेट में हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही क्यों, देश के कई राज्य डायन प्रथा से प्रभावित हैं। अफसोस की बात यह है कि भले ही हम आज 21वीं सदी की दहलीज पर खड़े हैं और विकास के नए नए मानदंड तय कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में कई ऐसी परंपराएं हैं जो पिछड़ी मानसिकता और भेदभावपूर्ण रवैये की द्योतक हैं। उदाहरण के लिए डायन प्रथा को ही देख लीजिए, जिसने ना जाने अब तक कितनी ही निर्दोष महिलाओं की जिंदगी तबाह की है। ये डायन प्रथा है क्या और ये आई कहाँ से है? तो इसका जवाब ये है कि डायन प्रथा 550 साल पुरानी परंपरा है। अब रही बात ये कि ये आई कहाँ से, तो ये हमारे पुरुष प्रधान समाज की ही देन है। कम से कम आज के समय में तो हम ऐसी प्रथाओं की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। डायन प्रथा का मुख्य कारण है ओझा। दरअसल ओझा अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति के छलावे में डालकर अशिक्षित गांव वालों को अपने बस में कर लेता है। जब वो लोगों की परेशानी दूर नहीं कर पाता तो उसे डर होता है कि अब वो लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएगा, कैसे अब वो इस गांव में टिक पाएगा। इसलिए वो सफल इलाज ना कर पाने की वजह गांव की ही किसी महिला को बता देता है। डायन प्रथा के वजूद की अहम वजह है अशिक्षा और अंधविश्वास का चक्रव्यूह। डायन प्रथा के लिए अशिक्षा और अंधविश्वास का चक्रव्यूह भी उतना ही जिम्मेदार है। एक कारण ये भी होता है कि जो महिलाएं विधवा होती हैं या जिनके नाम संपत्ति होती है, उन पर गांव के दबंगों की नजर होती है, इसलिए संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए उन्हें डायन साबित करने की कवायद शुरू कर दी जाती है। यही नहीं, इस मामले में ज्यादातर उन महिलाओं को निशाना बनाया जाता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता या जो बूढ़ी हो गई होती हैं, या फिर वो महिलाएं भी निशाना होती हैं जो गांव में लोगों से कम बात करना पसंद करती हैं और घर में ज्यादा वक्त गुजारती हैं। कई दफा ऐसा भी होता है कि जब घर का कोई सदस्य महिला पर गलत नजर रखता है मगर महिला उसे स्वीकारती नहीं है, तब मौका मिलते ही वो उस महिला को डायन के रूप में प्रचारित कर अपना बदला पूरा करता है और उसे जी भर कर पीट कर अपना गुस्सा निकालता है। ऐसी महिलाओं को बहाने ढूंढ कर भरे गांव में बाल पकड़ कर खींच कर लाया जाता है, फिर सारे गांव वाले उस महिला को सजा देने पर उतारू हो जाते हैं। उस महिला को खींच कर भीड़ के सामने लाया जाता है और फिर उसे निर्वस्त्र कर मारा पीटा जाता है। कई दफा तो उसका सिर मुंडवा कर और चेहरे पर उसके कालिक पोत कर पूरे गांव में उसे घुमाया जाता है। चाकू से चीरे तक लगाए जाते हैं, उसे मलमूत्र पीने के लिए मजबूर किया जाता है, पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया जाता है। अगर इसके बाद भी वो बच जाती है तो उसे गाँव से निकाल दिया जाता है। डायन वैसे देखा जाए तो वर्तमान समय में ये शब्द औरतों पर जुल्म ढाने का जरिया बन गया है। पूरे भारत में, खास तौर पर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में डायन के नाम पर कमजोर महिलाओं पर बेइंतहा जुल्म किए जाते हैं। डायन, टोनहिन, चुड़ैल, भूतनी, प्रेतनी, डाकनी, कलंकनी, वो शब्द हैं जो अब तक औरतों के खिलाफ एक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाते रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ का टोनही प्रताड़ना निवारण एक्ट 2005 है, मगर अभी भी वो परिणाम देखने को नहीं मिले जिनकी अपेक्षा है। इस कुसंस्कारी प्रथा की आड़ में गंभीर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में 2005 में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत डायन बताने वाले शख्स को 3 से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, मगर धरातल पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कानून बनने के बाद भी तो औरतों को डायन बताकर मारा जाता है। क्या कर लेती है पुलिस और क्या कर लेता है कानून? आखिर औरत ही डायन क्यों होती है, पुरुष क्यों नहीं? डायन, चुड़ैल, भुतनी, कुटनी, वैश्या जैसे शब्दों की तलवार महिलाओं को ही रक्त रंजित क्यों करती है? भूत, प्रेत, पिशाच, भ्रम, राक्षस कहकर किसी पुरुष को क्यों नहीं मार दिया जाता? ऐसी घटनाएं वर्तमान में तो क्या, अतीत में भी शायद ही देखने को मिले। जरूरत है समाज को महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलने की, तभी महिलाओं का समाज में सम्मान हो पाएगा। ग्रामीण न्यूज भी सभी से अनुरोध करता है कि बेवजह किसी महिला को डायन बताकर उसे प्रताड़ित ना किया जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।